इलेक्शन डेट के पहले यूनियन ऑफिस को इंशाल्लाह हुसन देंगे और उसके बाद एक पार्टी है जिनका सियासी जनाजा करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं एक नारा लगा रहा था, सबने मिल के जवाब देने, नारे तकबीर, नारे रिसाले, नारे हैदरी, नारे शेर। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला है, और बेशक मेरे मजदूरों इज्जत और जिल्लत उस प्यारे रब के हाथ में। मोहतरम सदर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब, चेयरमैन अली अकबर खान साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर मुनीर अहमद साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर मलक महमूद साहब, और यहाँ पर मौजूद पाशा ग्रुप के अहदेदारान, मेरी माओ बहनों बुजुर्गों दोस्तों चाहने वालों, पाशा ग्रुप के जलों, मेरे सर के ताजो, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, मैं जब आज आया तो मैंने जब ये मजमा देखा तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। क्यों? कि यहां पे कुछ पैदागीरों ने, कुछ मजदूर दुश्मनों ने एक नारा लगाया था कि अब तो पाशा चला गया, अब इस मजदूर का रगड़ा निकालेंगे। तो लो, मैं आज फिर ऐलान करता हूं कि पाशा 30 साल के लिए फिर जिंदा और तहफ़ करेगा इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, माओ, 13 दिसंबर 2012 इंशाल्लाह ताला सीडीए में रेफरेंडम है, और मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अगर सीडीए के मजदूर ने गैरत के तकाजे पूरे करके पाशा ग्रुप को कामयाब किया तो इंशाल्लाह ताला जो 14 तारीख की सुबह होगी वो बब्बर शेरों की होगी, मेरे मजदूर की होगी इंशाल्लाह। बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत परेशानियां हैं। मजदूर का बच्चा भर्ती नहीं है, प्लॉट नहीं मिले, प्रमोशनें नहीं हुई, सिर्फ चौधरी यासीन और अमानुल्लाह के जो टाउट हैं ये 200 या 300 हैं। 6 साल इनको खुला मैदान मिला तो इन्होंने मेरे मजदूर का रगड़ा निकाल के रख दिया, उसको लूटा, उसको बेचा, उसके सौदे किए और अपनी पूरी की पूरी नस्लें सीडीए में भर्ती करवाई, अपने हवाइयों को मरा दी। तो इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह तवक्कल फरद कमाल पाशा पे बीमारी आ गई, नहीं तो चौधरी यासीन और तुम 6 साल जो सीडीए गुजार गए ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बीमारी की वजह थी, नहीं तो सारी जिंदगी सोचते रहते कि सीडीए का दफ्तर कैसे होता है। ये तो तुम्हें खुला मैदान मिला और पाशा ग्रुप के कुछ भगोड़े जिन्होंने हमारे कायद, मेरे वालिद, इस महकमे की शान, उनके साथ धोखा किया, पीठ में चुरा कोपा और हमारे इस ग्रुप को कमजोर से कमजोर तर कर दिया। लेकिन
मेरा रब है उसके हाथ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम जब मैंने पहली मीटिंग की इंग्लैंड से आके तो हम 10 थे, आज तो देखो इंशाअल्लाह आज तो देखो आज तो हम समंदर बन चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला ये समंदर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, इसमें कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो वो भी प्यासा आएगा और अल्लाह के हुक्म से आपकी जूतियों के सबके इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को जब पोलिंग होगी तो 14 दिसंबर को CDA के ऊपर पाशा ग्रुप पर मजदूर का राज होगा इंशाअल्लाह। आज CDA के अंदर मेरे मजदूर की दो बड़ी तकलीफें, एक उसका बच्चा भती नहीं है और नंबर दो उसको प्लॉट नहीं मिला। तो आप सारे मुझे बताएं और जिसके सर पे ताज रखा 6 साल, क्या चौधरी यासीन ने अपना पूरा खानदान भर्ती नहीं कराया, अपनी पूरी नस्लें नहीं कराई? वो जो रंगू है रंगू, उसके 6 के 6 बच्चे नहीं भर्ती हुए? तो मेरे भाइयों, ये जो साथ मेरे बैठा हुआ है डग डगा डग डग डगा डग डग टोल ग्रुप जो कहता है कि जी बीपी जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, और वोट मजदूर से मांगते हो और नारा पीपल्स पार्टी का लगाते हो। वोट मजदूर से मांगते हो, नारा पीपल्स पार्टी का लगाते हो, कंधों पे मजदूर उठाता है, नारा पीपल्स पार्टी का लगाते हो, और मेरे मजदूर का नारा क्यों नहीं लगाते? जिसकी जूतियों के सदके तुम्हें इज्जत मिलती है, तुम्हें मकान मिलता है, आज इस्लामाबाद में तुम्हें लोग अमानुल्लाह खान साहब कहते हैं, और उसका नारा नहीं लगाते हो? इंशाअल्लाह ताला पाशा ग्रुप मजदूरों का ग्रुप है और पाशा ग्रुप इंशाअल्लाह ताला जब तक कायम और दायम रहेगा CDA मजदूर का नारा लगाता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। चौधरी यासीन ने अपना बेटा जाली डिप्लोमे बना के स्पोर्ट्स एंड कल्चर का 16वें ग्रेड का अफसर बनाया। शायद ने वो जो है रंगू, उसका जो बेटा शायद खान, उसका वो 4थे ग्रेड का सेनेटरी का सुपरवाइजर था। बाप CBA बना तो उठा के एनफोर्समेंट का इंस्पेक्टर लगा दिया 16वें ग्रेड का विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। आज वो कहता है कि मैं डिंगा हूं, वो शायदा कहता है मैं डिंगा हूं, खुदा की कसम मैं लिस्ट बना रहा हूं, ये जितने डिंगे हैं CDA के अंदर जो आपकी जेब पे डाका मारते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, एक एक का डिंगा पूरा निकालूंगा इंशाल्लाह। इनको भीख मांगने की आदत ही पड़ गई है, आपकी जेबों पे डाके मार के आपके बच्चों की रोटी बंद करके ये अपने इन यूनियन लीडरान के पेट भरते हैं। तो मुझे बताएं कि ये यूनियन किसी की बाप की जागीर है कि कल अगर इज्जत कमाल पाशा कामयाब हो जाए तो मेरा भाई परवान चढ़ रहा हो, मेरी नस्ल परवान चढ़ रही हो, मेरा खानदान भर्ती हो रहा हो और मेरे मजदूर के घर रोटी का फाका हो? ये तो दुकानदारी हो जाती है, ये तो पैदागीरी हो जाती है, ये तो बदमाशी हो जाती है, ये तो डाकाजनी हो जाती है। ओए अवलीन दर्जी, जब अल्लाह पाक आपके सर पे लीडरशिप का ताज रखे तो सबसे पहले मजदूर का बच्चा भर्ती करो। तारीख गवाह है कि आप सब जानते हैं
और आप में से कई लोग भी फरद कमाल पाशा के हाथ के प्रति हैं। 4,500 बंदा सीडीए में भर्ती करवाया नहीं करवाया, अस्पताल बनवाया नहीं बनवाए, कब्रिस्तान बनवाया नहीं बनवाए, बसें चलाई, कॉलोनियां बनवाई, ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे सर के ताजो, फरद कमाल पाशा के दो बेटे थे। 24 साल दौरे इक्तदार गुजारने के बाद दो बेटे थे, एक मैं और एक मेरा छोटा भाई आपसे कुरान है जो, और हम दोनों सीडीए में नहीं थे। तो एक दिन मकबूल शाह साहब लड़ पड़े पाशा साहब के साथ। उन्हें कहते हैं कि पाशा साहब, ये जो आपका छोटा बेटा है फरासत कमाल पाशा, आप इसको सीडीए में क्यों नहीं भर्ती करवाते? तो वो चुप रहे। तो शाह साहब ने फिर पूछा तो उन्होंने डांटा, और फरद कमाल पाशा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि शाह साहब, मैं अपना बच्चा सीडीए में भर्ती करा लूं, कल कोई मजदूर, कोई जरीफ, कोई बूढ़ा, कोई माली, कोई बेलदार, कोई खाकरो, कोई नायब कासिद, और मेरा हाथ पकड़े और मुझे ये कहे कि पाशा, तेरे बच्चे के लिए नौकरी है, मेरे लिए नहीं है, मेरी 34 साल की मेहनत पे पानी पड़ जाएगा। ये होता है किरदार, ये होता है खौफे खुदा, ये होता है मजदूर की तकलीफ। तो दूसरी तरफ वो यासीने की बहू, बेटियां, दामाद, खानदान, होने वाले दामाद सारे के सारे सीडीए में भर्ती हैं। अमानुल्लाह के साथ भाई सीडीए में भर्ती हैं। जाली डिप्लोमे बना के उनको अफसरान ग्रेड में लगाया। अमानुल्लाह ने एक एक साल में 3-3 कैडर चेंज करा के किसी को सुपरवाइजर बनाया, किसी को इंस्पेक्टर बनाया। ओ मेरे भाइयों, ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ इसलिए हुआ कि आपने जाहिलों, अनपढ़ों, अंगूठा छापों के हाथ में अपने घर के चूल्हे का तहफ्फुज़ दे दिया। समझता हूं कि जो शख्स, जो यूनियन, जो लीडर ये दावा करे कि मैं आपकी नुमाइंदगी करना चाहता हूं, मैं आपके मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ करना चाहता हूं, तो सबसे जरूरी चीज जो आपने उसमें देखनी है वो उसमें देखें उसकी तालीम का शऊर। खुदा की कसम, और ये चार्टर ऑफ डिमांड देने पड़ते हैं, और ये चार्टर ऑफ डिमांड अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। वो एक मुझे बात याद आ गई अंग्रेजी से, वो एक बंदा नौकरी से डिसमिस हो गया तो चौधरी यासीन के पास चला गया। उसने कहा कि चलो यासीन साहब, मुझे नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है, मेरे साथ चलें। तो चौधरी यासीन उसको लेके डिप्टी डायरेक्टर के पास चला गया। उसने कहा भाजी, मेरा बंदा बहाल करें। तो डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि जी कोई मसला नहीं है, आपका ये काम हम कर देंगे। तो सुबह वो बंदा चौधरी को फिर लेके चला गया। तो चौधरी ने कहा कि सर, आपने मेरे काम का क्या किया है? तो आगे से अफसर ने कहा कि मैंने आपका बंदा रीइंस्टेट कर दिया है। तो आगे से चौधरी यासीन कहता है, तो रीइंस्टेट भी फलानी टिंगी मन बंदा बहाल चाहिना। तो आगे से उस अफसर ने कहा, चौधरी साहब, रीस्टेट ना मतलब भी उनकी बहाली होना।